पैंथर पार्टी ने जम्मू में आज एक जबरदस्त विरोध रैली निकालकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या अवैध शरणार्थियों को जम्मू छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया व यशपाल कुंडल के नेतृत्व में यह रैली शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी और प्रदर्शनकारियों ने इन अवैध शरणार्थियों को शीघ्र जम्मू से निकल जाने को कहा। नागरिक सचिवालय की ओर कूच कर रही इस रैली को पुलिस ने शालीमार चौक में रोक लिया, जहां उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पैंथर पार्टी के नेताओं ने सरकार को चेताया कि यदि जम्मू की धरती से इन विदेशी घुसपैठियों को तुरंत नहीं निकाला गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हर्षदेव ने कहा कि इन लोगों को जम्मू के आस पार बसाकर जम्मू की जनांकिकी को बदलने की साजिश की जा रही है और इन लोगों को इस साजिश के तहत नागरिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो बाहर से विदेशी नागरिक प्रवासी यहाँ आकर बस रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, जिसमें रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज हैं, जो यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और जो जिहादी रेडिकलाइजेशन को यहाँ बढ़ावा देने आए हुए हैं, उनको जम्मू के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सीधा और स्पष्ट पैगाम हम इस सरकार को देना चाहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी इलेक्शन से पहले, आज मूक दर्शक बनी हुई है और महज बयानबाजी देकर अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जो यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के रोहिंग्याज को और बांग्लादेशीज को वापस जाना होगा और हम किसी भी कीमत पे अपने भाईचारे को, अपनी एकता को और जम्मू में जो माहौल है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। ये साजिश जम्मू के खिलाफ जो की जा रही है, इसका पैंथर्स पार्टी जो है कड़ा विरोध करती है, इसको पर्दाफाश करेगी।